ठीक है। तो भाई लोग एक बार और आ गए हम बेहतरीन वाली GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहांस की गेम प्ले वीडियो में। भाई लोग अभी BGMI भी वापस आ चुका है, BGMI इज बैक। तो अगर तुम्हें BGMI की वीडियो चाहिए हो तो एक बार कमेंट में लिख देना BGMI और BGMI की वीडियो वापस से ले आएंगे हम, एक आध वीडियो ले आएंगे BGMI की, ठीक है, BGMI इज बैक की वीडियो। और भाई साहब अभी पिछली वाली वीडियो की बात करें तो कुछ लॉन्डों ने ट्रेसी को परेशान किया था और हमने उनकी अच्छी खासी कुटाई कर दी थी, और अभी क्या कहते हैं वो जहाँ तक अस्पताल पड़े होंगे। बात करें आज की, तो भाई आज हमारे लिए सिमियो ने भेजी है बुलेट, और बुलेट के बारे में कौन नहीं जानता बात में भाई, कई लोंडो की ड्रीम बाइक है ये बुलेट की। वैसे बात करें तो भाई इसकी हैंडलिंग वगैरह काफी सही है ना, और देखने में तो एकदम बेहतरीन लगती है यार। देखो क्या मजेदार है दिखने में एकदम। और भाई किक से स्टार्ट होती है, बाकी बाइक से अलग, बाकी सारी सेल्फ होती है किक से स्टार्ट होती है। खैर भाई इसकी बात करें टॉप स्पीड की, तो करीब करीब 150 जाती है इसकी टॉप स्पीड। और अभी हम पहुंच चुके हैं इसे लेके अपने टारगेट के पास, और भाई एजेंट 47 ने हमें शेक के एक बंदे का टारगेट दिया था, ये बाइक बोल रहा हूँ ये गाड़ी के अंदर जा रहा था, ठीक है। और तुम्हें इसकी गोली गोली चलने की आवाज़ नहीं आई होगी क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मेरे PC में, और इसके अंदर गोली गोलियों की इन सब चीज़ों की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वो मुझे बाद में पता लगा है ना, मैं वॉइस ओवर भी बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम अपने एक और टारगेट के पास पहुँच चुके हैं, एजेंट ने दिया था हमें ये वाला टारगेट भी। और भाई साहब ये जो है शेक के लिए ड्रग्स वगैरह सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है, ड्रग डीलर है ये नॉर्मल सा, लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी काफ़ी है। इसे अभी हमारे बारे में पता नहीं है कुछ खास कि हम कौन है, और भाई यहाँ पे हमने इसे ठोक के और गोलियाँ चलाते हुए भाग जाते हैं है ना, क्योंकि भाई साइज के पैदल बंदे हैं, हमारे पास इतनी बेहतरीन बुलेट है तो हम बुलेट को लेकर आराम से भाग सकते हैं। और थोड़ी सी गोलियाँ भी चला दी हमने इनके ऊपर, हवाई फायरिंग कर दी, ठीक है, जिससे क्या आ गया हमारे पीछे भाग के आने की हिम्मत ना करें, वैसे भाग के भी आएंगे तो हमें पकड़ नहीं पाने, कितनी जोर लगा लें लोग। और भाई साहब अभी हम आ चुके हैं अपने घर पर, और हमने कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि भाई हमारे पास अमेंडा का फोन आया था, और अमेंडा ने कहा था कुछ मैटर हो गया जल्दी से आ जाओ, और उसने कहा था कि भाई बहुत सारी पुलिस आ रखी है घर पे, तो देखते हैं भाई क्या सीन है, क्या मैटर हो गया, पुलिस को क्या समस्या है हमसे भाई, कहीं कोई हमारा सीक्रेट विक्रेट तो लीक नहीं हो गया। वैसे तो उसने कहा था कि जल्दी से आ जाओ, बस आके पता लगेगा, एक तो अपनी बाइक वहाँ छोड़ गया ना, क्योंकि अगर अपनी बुलेट अपने साथ ले आते तो इन्हें पता लग गया था कि यही वो हिटमैन है ना। और अपने कपड़े भी चेंज करके आए हम, हिटमैन के कपड़े में नहीं आ सकते पुलिस के सामने ऐसे। और भाई देखते हैं इनसे बात करते हैं क्या सीन है, डील करते हैं कुछ। और भाई काफी सारे पुलिस वाले हैं यार यहाँ पे, तो भाई चल के इनके अंदर बॉस वॉस से बात करते हैं, ठीक है। भाई लोग तो अभी हमारी पुलिस से बात हो चुकी है, और उन्होंने कहा था कि ये जो लोंडा था ना जिसकी हमने कुटाई करी थी अभी कल, मतलब पिछले वाली वीडियो में जिसकी कुटाई करी थी हमने, वो भाई DSP का लोंडा था, शहर का जो DSP है, उसके मैटर के लिए आए थे लोग ट्रेसी को अरेस्ट करने और हमें पकड़ने। तो हमने कह दिया कि ठीक है जो भी तुम्हारा मैटर है हम तुम्हारे बाप के पास जा रहे हैं DSP के पास, वहीं जाकर बात करेंगे, तुम अभी निकलो यहाँ से। कह तो ये रहे थे कि हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे, लेकिन भाई हमने भी उन्हें हैंड ग्रेनेड दिखा दिया, हमने ये कही कि या तो तुम यहाँ से अकेले जाओगे हम बाद में आएंगे, नहीं तो यहाँ से कोई नहीं जाने का। तो भाई उन्हें भी लगा कि तो भैया मतलब हैंड ग्रेनेड वगैरह फोड़ देगा तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, सारे उठ जाते फिर, तो इससे वो चले गए फिर लास्ट में। और ये कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए पहली फुर्सत में वहाँ पे पहुंचे, तो हम अभी अपनी बाइक उठा के DSP के पास जा रहे हैं, एकदम प्यार से जाके बात करेंगे उससे, ठीक है भाई। तो अभी हमारी DSP से बात हो गई है, और भाई ये जो सामने बंदा बैठा है सफेद कपड़ों में यही है DSP, और अभी हम इसके ऑफिस के अंदर है। भाई ऑफिस तो काफी ठीक ठाक से बना खरीदने सही सा, लेकिन मैं बताऊं अभी इससे भाई बात क्या हुई, भाई ये कह था कि तुमने मेरे लोंडे को क्यों कुटा इतना, तो हमने कहा कि भाई गलती तो देख तेरे लोंडे की है, ठीक है, उसी ने जाके उससे ट्रेसी से मतलब का मैटर कहा था उसे छेड़ा था, तो ये कह अगर कुछ बात हुई थी तो तुम मेरे से आगे कहते, तो हमने कहा कि अभी तो तेरे लोंडे ने आगे तेरे से बता दी, पहले हम बताते अब उसने बता दी, तो क्या कर ठीक है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने का, और अभी तुम पुलिस थाने के अंदर हो, तो हमने कही कि पुलिस थाने के अंदर चाहिए हम हो, लेकिन अगर तुमने हमारे जरा सा फालतू बोल दिया ना और एक फोन कर दिया हमने, तो तेरे यहाँ जितने पुलिस वाले बंदे नहीं है उतने हिटमैन आ जाएंगे, और जितनी तेरी बिल्डिंग के अंदर कॉन्क्रीट नहीं है उससे ज्यादा बम यहाँ गिर जाएंगे, क्योंकि भाई अगर हमने एजेंट 47 को फोन कर दिया तो हमारे बचाने के लिए हिटमैन भेज देगा, और अगर हमने ट्रेवलर को फोन कर दिया तो भाई वो इनकी पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा, ठीक है। तो भाई इसकी फट गई और इसने हमारे से पूछा ना कि कौन हो तुम, और भाई फिर हमने ऐसा कट्टा निकाल के कह दिया कि अभी इंट्रोडक्शन दूं, और इसने कहा कि ठीक है अभी के लिए जाओ और बाद में बात करते हैं, तो ठीक है भाई अभी चलते हैं यहाँ से। भाई अगर हमारे से फालतू बोल गया तो इसे ठिकाने भी लगा देंगे, क्योंकि भाई गलती इसी के लोंडे की थी, हमने तो भाई अपनी बहन का ध्यान ही रखा था, ठीक है, कोई भी भाई यही करता भाई कूटता ही उसे। आज की वाली वीडियो में इतना ही, अगर तुम्हें ये वाली वीडियो बढ़िया लगी और मजा आया तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेहतरीन से एकदम भर के, और मिलते हैं हमारे की तरह अगली वीडियो में।